नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया में जब बात होती है कि हम सबको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो बात यह भी होनी चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें और माने कि हर धर्म अपने आप में खास है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी धर्म जिस भी हिसाब से अपने त्यौहार को मनाना चाहता है या जो भी उस धर्म में पालन करने वाली चीज हो, दूसरे धर्मों के लोग भी उसका सम्मान करें। लेकिन ये सब हाल ही में हुए हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व दीपावली के मौके पर देखने को नहीं मिला है। अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की है, जो अपने परिवार के साथ दीपावली मनाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये तस्वीर पिछले साल की है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो आपको वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दीपावली पार्टी का आयोजन किया था। अब हम देखें तो इन दोनों ही तस्वीरों में वैसे तो आपको कोई ज्यादा अंतर नजर नहीं आया होगा, ना कि समझ आया होगा, लेकिन इसमें समझने वाली बात है नीयत की। जी हाँ, पिछले साल जब ऋषि सुनक ने दीपावली समारोह का आयोजन 10 डाउनिंग स्ट्रीट में किया तो वहां सभी चीजों का ध्यान रखा गया था, जैसे पूजा के समय किसी भी चीज की कमी ना हो। हिंदू धर्म का पर्व है तो शराब या फिर मांस का यहां पर कोई भी नामोनिशान ना हो, लेकिन इस बार ऐसा यहां नहीं हुआ। जी हाँ, सही सुना आपने, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली पार्टी के आयोजन के दौरान शराब और मांस भी परोसा गया और इस बात का खुलासा अब हुआ है। इस पार्टी में ब्रिटिश भारतीय समुदाय के नेता सहित लेबर सांसद, लेबर काउंसलर और सेना के सदस्य भी पहुंचे थे। हालांकि कुछ मेहमान तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वहां कई ऐसी चीजें भी हैं जो बेहद आपत्तिजनक हैं और हिंदू धर्म के लोग खासकर दीपावली के मौके पर, इतने बड़े पर्व के मौके पर जब इन्हें परोसा गया तो वहां पर वो लोग हैरान रह गए। कुछ ने तो केटरिंग स्टाफ से अपनी हैरानी भी जताई, लेकिन उन्होंने बताया कि ये चीजें जो मांस है उसे खास तौर पर ऑर्डर किया गया था। ब्रिटिश हिंदू पंडित सतीश के शर्मा ने अब इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 14 सालों से यहां पर बिना मांस और शराब के दीपावली पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इस हरकत की वजह से मैं बेहद हैरान हूं। दिवाली पार्टी में मांस परोसा जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री के सलाहकारों की तरफ से ये बड़ी लापरवाही की गई है। ये घटना चौंकाने वाली है। अगर इसे जानबूझकर किया गया था तो प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश हिंदू समुदाय को इसके जरिए एक संदेश भेजा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दीपावली पार्टी का आयोजन इस मकसद से किया था कि ऐसा करने से ब्रिटिश भारतीयों में उनकी न सिर्फ अच्छी छवि बनकर उभरेगी बल्कि आने वाले समय में उन्हें इस समुदाय का मजबूत समर्थन भी हासिल होगा। लेकिन प्रधानमंत्री स्टार्मर की यह कोशिश बिल्कुल बेकार हो गई। अब इस लापरवाही से यह भी साबित हो गया कि हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल जितना ऋषि सुनक ने अपने समय पर रखा था उतना कीर स्टार्मर नहीं रख पाए हैं और इसीलिए अब हिंदू जो हैं वो खूब भड़के हुए हैं। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ये कैसे हुआ। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।